आपको पता है एक दुनिया का सबसे बड़ा जो सबसे धनवान भिखारी कौन है? आपको पता है? मैं बता देता हूँ, सबसे धनवान भिखारी है, उसके पास 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कितनी? 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सबसे धनवान भिखारी है, 40 साल से भिक्षा मांग रहा है, बम्बई में रहता है। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो गूगल करके देख लीजिएगा। अब सवाल मन में आपके भी आ रहा होगा, मेरे भी आ रहा है कि इतने पैसे है तो भी भिखारी क्यों है? आ रहा है ना? पर अभी भी भीख ही मांगता हो, क्यों मांगता है? पूछो अपने आप से, तो क्यों मांगता है? क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। आदत वही है, वो चाहे तो इतने पैसे में तो कुछ भी कर सकता है, धंधा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन 40 साल से मांगते मांगते उसकी भीख मांगने की आदत ऐसी पड़ गई है कि उसके अलावा उससे कुछ होता ही नहीं। ये है आदतों का बुरा नतीजा। तो हम सभी के अंदर ऐसी बहुत सारी आदतें घर कर जाती है, जो हमें आदत जीवन भर हमें अच्छा भी बना सकती है अगर अच्छी आदतें हैं तो, और बुरी आदतें तो बुरा भी बना सकती है। बहुत सारे साथियों में जुआ खेलने की आदत बन जाती है, सट्टा खेलने की आदत बन जाती है, न जाने व्यसन की आदत बन जाती है, ड्रिंक करने की आदत बन जाती है, बुरे दोस्तों की संगत की आदत बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बुराइयां आ जाती है, तो जीवन किधर जाएगा? जीवन गर्त में ही जाएगा, अच्छा तो हो नहीं सकता है। और अच्छी आदतें बन गई तो जीवन उच्चता की ओर जाएगा, पश्चाताप नहीं रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा, खुशियां रहेगी। तो एक बार चलो सभी अपन बातचीत करेंगे इस विषय पर। थोड़ा सा पहले सब अपने आप एक धन्यवाद के भाव में डूब जाएं, इस पूरे अस्तित्व के प्रति एक धन्यवाद का भाव है। किसको देना, कम देना, ज्यादा देना, और दिमाग मत लगाओ, हम तो खुद ही धन्यवाद बन जाएं। और बड़ा एक अहो भाव मन में जाए तो चेहरे पे भी दिखना चाहिए, मन में भी होना चाहिए। मन में होगा तो चेहरे पे भी दिखेगा, मन में नहीं होगा तो चेहरे पे नहीं दिखेगा। तो ऐसी मैं एक आपको आज सूत्र देने वाला हूं कि हम आदतों को कैसे बदल सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन शब्द है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अपने नजदीक हो रही घटनाओं को, चीजों को अच्छे से देखना, निरीक्षण भाव से देखना, मतलब बहुत बारीकी से। ऑब्जर्वेशन मतलब सूक्ष्मता से देखना उन चीजों को। तो आदतों में जो बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऑब्जर्वेशन बहुत काम करता है। जैसे वो भिखारी का मामला है, तो अब ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ठीक है, आपके लिए वो घटना है, देखा, आनंद लिया, चले गए, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसकी आदत बन गई है। तो फिर ऑब्जर्वेशन क्या बोलेगा, मेरे में भी तो कोई ऐसी आदतें नहीं है। हम क्या होता है, हम दूसरों की आदतों को तो देख पाते हैं लेकिन खुद की आदतों को नहीं देख पाते, कि ऑब्जर्वेशन नहीं होता ना, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। तो बहुत सारे साथियों को कुछ पता ही नहीं होता, मेरे को भी बहुत समय तक पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या क्या गलत आदतें हैं। तो मैंने भी जब ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत सारी आदतों का पता चला। मुझे मैं जब अपने आप को वापिस देखा तो मुझे पता लगा कि मेरा बार बार जो है हाथ मुंह पर जाता रहता है बोलते समय। तो ये मुझे पता लगा, फिर पता लगा कि बहुत थोड़ा सा बोलने में फ्लो जो है वो उतना थोड़ा धीमा होता है, क्योंकि आज के जमाने में जो है वो, क्योंकि आपकी प्रस्तुति प्रभावशाली होनी चाहिए, तो उसमें तो हालांकि अभी भी बहुत कमी है, पर मैंने वो भी ऑब्जर्व किया। अभी चीजें कुछ तो ऐसी होती है जो आसानी से बदली जा सकती है, कुछ को थोड़ा सा समय लगता है, अभ्यास करना पड़ता है, पर ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज है जो आपको जागृत कर देती है, आपको होश में लेके आ जाती है, अरे ये है क्या। तो होश में आते ही चीजें बदलने का रास्ते आसान हो जाते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो हम जिंदगी भर ढोते रहते हैं। आज मैं जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरी आज उम्र कितनी है, इस इतने सालों तक तो मैं उसको चलाता ही रहा ना। एक मैंने ऑब्जर्व की मेरी आदत क्या, जब मैं बोलता हूँ, साथियों से बातचीत करता हूँ, तो मैं उनकी अच्छाइयों को तो कम देखता हूँ और उनको छूट रहा है उस पर ज्यादा ध्यान रहता है, तो मैं टोकता रहता हूँ थोड़ा सा उसको, एक बातचीत में वो कंप्लेंट जैसा ही लगने लगता है। तो फिर हो सकता है शायद बहुत सारे साथियों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, तो वो भी मैंने ऑब्जर्व किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, हालांकि मैं सबको कहता रहता हूँ कि मुझे कोई बताएगा तो, पर आप लोग नहीं बताते तो फिर मुझे अपनी तो जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। तो और भी अभी बहुत सारी
ऐसी भी कमियां हो सकती है जिसका शायद मुझे अभी भी ध्यान नहीं है। कुछ अच्छी आदतें भी है वो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसा नहीं कि सारी खराबी है। खराब तो देर से पता लगती है, अच्छी तो लगभग ज्यादा ध्यान में रहती है, पर हो सकता है वो भी कितनी अच्छी हो। जैसे कि मेरे अंदर एक बदलाव की आदत बहुत है, मैं नया करता रहता हूँ, बहुत नया चाहिए मुझे, मैं पुराने का बिल्कुल भी लोभ लालच नहीं होता मुझे। अनुशासन में मैं बहुत पक्का हूँ, जो चीज जो बता दी गई है, जो सोच लिया है, वैसे ही होगा 100%। ऐसा नहीं कि कभी कभी इधर उधर कर दो, ये कर दो। वादे का मुझे बहुत ध्यान रहता है। ये ऐसी कुछ चीजें अच्छी भी है। आप सब साथियों की ऑब्जर्वेशन मैं तो खूब बताता रहता हूँ, आप तो मुझे नहीं बताते, पर मैं खूब बताता रहता हूँ। बहुत सारे साथी चेक करो कि बैठे बैठे जो है नाखून कौन खाता रहता है। अभी नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैंने ऑब्जर्व कर रखा है कि नाखून कौन खाता रहता है। मैंने ऑब्जर्व कर रखा है कि बहुत सारे साथी ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई, अभी बोलना नहीं चाहिए आपको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे मुंह लेके बैठे रहते हैं जैसे कोई शोक सभा में आया हो। ये आदत मेरे में भी बहुत थी, मैं बोलता था तो ऐसे बिल्कुल गंभीर, जैसे चिंतन मनन कोई टेंशन वाली मुद्रा, तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी। तो अपने बहुत सारे साथी क्या करते हैं, ऐसे जैसे या तो ऐसे घूरते रहते हैं जैसे कोई खा जाएंगे भी, या ऐसे बिल्कुल तनाव मुद्रा में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो जब आपके खुद बोलते हो, खुद बैठते हो, तो उसकी वीडियो को वापस देखो। मुझे ज्यादा लाभ कैसे हुआ कि मैं वापस वीडियो को देखता रहता हूँ ना, तो मुझे पता चलता रहे ये क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ। उस साथी ने इतना बढ़िया बोला, तारीफ तो एक भी नहीं बोली, और उसको और दो कमियां और बता दी कि देखो अभी भी ये छूट रहा है। अरे छूट रहा था, पहले उसको तो तारीफ तो करो थोड़ा भी, थोड़ा अच्छा भी बोलो, क्योंकि एक मन होता है। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से? ये ऑब्जर्वेशन का मंत्र जो हमें पकड़ना पड़ेगा, जब तक हम चीजों को देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, जरूरी नहीं दूसरे आपको कोई बताए, दूसरे संकोचवश नहीं बताते हैं, शिष्टाचार में नहीं बताते हैं। मैं तो हालांकि बता देता हूँ, मैं शिष्टाचार के मामले में थोड़ा शायद कमजोर हूँ, मैं कहीं बोलने में भी थोड़ा मुंहफट हूँ, तो मैं तो आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं सामूहिक तौर पे बताता हूँ। लेकिन मैंने एक देखा है कि दूसरे बताते शायद उसका असर उतना नहीं होता, लेकिन खुद में जो ऑब्जर्वेशन आता है, खुद में जो जागृति आती है, खुद में जो चेतना आती है, उससे बहुत ज्यादा असर होता है। तो खुद देखना सीखें, कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे क्या करेंगे, अपने वीडियो को खुद देखो। आप कभी मीटिंग में बोल रहे हो ना, तो आप किसी साथी को बोलो यार मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, और फिर उसको बाद में वापस देखो, समझो जानो। और थोड़ा तो देखो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, थोड़ी वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जो है, क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं ना, उसमें वो बहुत जरूरी है कि हम दुनिया के सामने पेश आए, बात करें, तो हमारा प्रभाव बहुत अच्छा रहना चाहिए। अगर हमारे प्रति लोग अच्छा अट्रैक्टिव नहीं हो रहे हैं, जैसे ये सब चीजें क्यों आई कि मेरे बहुत सारे सवाल पैदा हुए कि अपन इतने टाइम से कुछ कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, और लोग जो है अगर नहीं आ पा रहे, तो मैंने कहा लोगों की गलती नहीं है, मेरे को कुछ चेक करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ ठीक करना पड़ेगा। अभी मुझे बहुत सारी चीजें चेक करनी, मुझे बोलना उतना अच्छा नहीं आता, मैं मेरे बोलने में थोड़ी कमियां हैं, मैं बड़ा बोलना यहाँ पर थोड़ा सा जो एक ह्यूमर जो होना चाहिए ना बोलने में, उमर का मतलब बोलेंगे, जो थोड़ा सा प्रसन्नता लायक बातचीत होनी चाहिए, जो थोड़ा सा उसको एंटरटेनिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक उत्साहवर्धन होना चाहिए, एक कल आने की प्यास होनी चाहिए कि नहीं यार कल छूट न जाए। तो वो कहीं ना कहीं चीजें हैं जो मुझे डेवलप करनी है, मैं करूंगा बिल्कुल, आपको वादा करता हूँ। लेकिन मैं आप सब साथियों को बहुत सारी आदतें मैं भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अब मैं सामूहिक बोल रहा हूँ, इसलिए आपको किसी को बुरा नहीं लगेगा, व्यक्तिगत बोलता तो शायद बुरा लग सकता है। मैं जो देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व अपने आप को भी करता हूँ, मैं अपने साथियों को भी करता हूँ, कि मेरा परिवार है, मेरे साथी है, दोस्त है, मित्र है, तो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको भी बताता हूँ, अब मैं तो इशारे दे रहा हूँ, आप खुद ऑब्जर्व करना, ऐसा है होता है कि नहीं होता है। मेरे बताने से शायद आपको लाभ ना हो, पर आप नोट करें कि आपकी इनमें से कोई आदत है क्या।
एक तो वादा करके भूल जाना, ये मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूं, वादा करके भूल जाना, ऐसे वादे नहीं करने, ये आप, क्योंकि ये जीवन को हमें बहुत आगे नहीं ले जा सकती। हमसे काम कौन करवाता है? अगर आप दुकान लगाओ पैसे लगा दो, फैक्ट्री लगाओ पैसे लगा दो, बैंक खोल दो पैसे लगा दो, तो पैसे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपको अपने आप काम करता रहता है। एक दुकानदार दुकान लगाता तो वो बिना किसी की मोटिवेशन, कोई स्पीच सुनने नहीं जाता वो मोटिवेशन का, लेकिन फिर भी टाइम पे जाएगा, टाइम पे आएगा, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। लेकिन आपका यहाँ कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, तो आपको तो वो तो प्रेरणा है नहीं। दूसरा, आपके पास कोई डर नहीं है कि यहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कंपनी पैसा रोक लेगी, वो भी डर नहीं है। तो बिना उसके कैसे चलेगा? आपके पास एक ही चीज काम आ सकती है कि आप अपने वादे पे पक्का रहो। वादे तो सब अच्छे अच्छे करते हैं, वादे में कोई कमी नहीं है। तो वादा करते समय ध्यान रखो कि मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वादा ही मत करो, और कर दिया तो फिर ऐसे बोलो, शाहरुख खान सलमान खान किसका डायलॉग है पता नहीं, कि मैं जब अपना कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, ये होना चाहिए। तो ये बहुत है कमी, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूं, सालों से देख रहा हूं। दूसरी क्या कमी है? हम बदलना नहीं चाहते अपने आप, ऐसे पकड़ के जकड़ के बैठ गए, नएपन में डर लगता है। ये भी एक थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया है। और मेन चीज जो आप सब जानते हैं कि हम चेहरे पे, मैं जब बोलता हूं जब कितना मुस्कुरा पाता हूं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं सुन रहा होता हूं तब कंटिन्यू मुस्कुराता रहता हूं। आप मुझे देखते नहीं देखते मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा अभ्यास है। तो आप लोग सुनते हो जब इतने सीरियस हो जाते हो, चलो बोलते हो जब सीरियस होते हो। मैं एक बार जब मेरी स्थिति है तो मैं आपकी भी मान सकता हूँ कि बोलते समय हमारा ध्यान उस सोचने में और उसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आप सुनते हो जब इतना गंभीर हो के, आप क्या देखते हो? कोई नहीं देख रहा है, जैसे बहुत सारे अभी भी मैं देख रहा हूँ फेसेज, उनको लग रहा है कि हम कोई देख तो रहा नहीं है, क्योंकि मोबाइल में जब हम चलाते हैं तो हम खुद ही दिखते हैं, बाकी कोई ज्यादा दिखता नहीं है। और उनको लगता है कि जब मुझे कोई नहीं दिख रहा तो मैं भी किसी को नहीं दिख रहा हूंगा। तो मुस्कुराना तो तब है जब कोई देखे। अब मैं यहाँ एक मंत्र आपको और देना चाहता हूं, आदतों को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जब आपको कोई नहीं देख रहा हो तब आप उस आदत का अभ्यास करें। ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का एक बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला। जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, जब आप अकेले हो, उन आदतों का उस समय अभ्यास करो, तब आपकी आदतें पक्की होएगी, क्योंकि वो माइंड की प्रोग्रामिंग, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है, आपकी हैबिट में आता है। और आप अकेले में मुस्कुराओगे ना, बार बार मुस्कुराओगे, तो फिर हर जगह आप मुस्कुरा पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि हम तो अकेले हैं, क्यों मुस्कुराए, कोई देख ही नहीं रहा, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, ये बहुत जबरदस्त कला है, आर्ट है, आर्ट है। और मैं तो कहता हूं अकेले में जब मुस्कुराना नहीं चाहिए, अकेले में नाचना चाहिए। मैं करता हूं, आपको थोड़ा सा हंसी मजाक जैसा लग रहा होगा, जब मुझे कोई नहीं देख रहा होता है तो मैं यूं मस्ती करता हूं, क्योंकि हमारा क्या इतना समय से वो हो गया है सोचने का तरीका कि हम चिंताग्रस्त हो गए, इतने चिंताग्रस्त हो गए। और आप जब चिंताग्रस्त रहेंगे, ऐसा चेहरा लेके घूमेंगे, तो चीजें जो अट्रैक्ट नहीं होती आपकी तरफ, जो ये जो एनर्जी है जो वातावरण में है, जो दुनिया है, वो आपकी तरफ आकर्षित ही नहीं होती। तो आकर्षण के लिए थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे। तो ये मंत्र तो बहुत अच्छे हैं दिए, जो दोनों, एक तो ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, ध्यान पूर्वक आसपास की घटनाओं का, चीजों का, स्वयं की आदतों का निरीक्षण। जब तक ये चेतना नहीं आएगी ना, जब तक निरीक्षण नहीं आएगी तब तक बिल्कुल। रमन सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, देखा बहुत सारे साथी तो वो चीज पकड़ ली है, और जैसे अभी मैं नाम लेऊंगा तो वो अभी भी ऐसे जैसे खदान में से कोई
कोयला ढूंढने जा रहे हो, ऐसे गंभीर चिंतन चेहरा लेके बैठे हैं अभी बहुत सारे साथी, और बहुत सारे साथी अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। तो ये एक चीज भी आपको बहुत कुछ दे सकती है। अच्छा, गलती किसी की नहीं है। मैं भी अपना थोड़ा पीछे जाके झांकूं तो हमको बहुत सालों तक कोई मुस्कुराने का कोई न तो किसी ने बताया, न कोई वातावरण मिला, न हमको किसी ने कहा, न किसी ने चेताया, न किसी ने जगाया, न उसका महत्व तो जाना। तो ठीक है, एक टाइम निकल गया, तो बहुत सारे थे जो पहली दूसरी बार आए ना, उनको तो थोड़ा अजीब लगेगा। मैं ओशो मेडिटेशन में जब मैं पहली बार गया पहली बार गया था, क्या वहां सभी नाचते मस्ती में बिल्कुल, और कोई किसी को नहीं देखता, अपनी मस्ती में सब ऐसे नाचते पूरा डूब जाते हैं। अब मैं पहली बार गया तो मैं देखो ये क्या, अपने को तो कुछ कि कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं पहली बार में, पर थोड़ी देर में करते 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 फिर हम कंफर्टेबल हो पाते हैं। तो बहुत सारे साथी जो पहली दूसरी बार आए उनको भी वो मुस्कुराने में भी थोड़ा सा झंझट लग रहा है, और ऐसे गए मुस्कुरा जो सालों से जो चीज की नहीं ना, तो बस या तो चुटकला सुनते तब मुस्कुराते, या कोई हंसी मजाक होती तब मुस्कुराते, ऐसे मुस्कुराना देखा नहीं। पर आपको मैं बता दूं, जो मुस्कुराते रहते हैं ना उनको केवल मुस्कुराने के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। आप जो ये कलाकार लोग नहीं होते जो फिल्म और टीवी में आते हैं, उनको और ज्यादा कुछ नहीं, आप उनके देखोगे तो उनका कोई न तो लाइफ में एम है, न देश के प्रति प्रेम है, कुछ भी नहीं है, केवल दो तीन चीजें ठीक आती है कि वो स्माइलिंग फेस रखते हैं और थोड़ा सा बोलने का कुछ, हालांकि वो कुछ अपना डायलॉग नहीं बोलते हैं, डायलॉग तो उनको मिलते हैं वो याद करते हैं, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे रख पाते हैं जैसे रखने चाहिए, आकर्षक रहता है। तो भैया बनना तो स्टार ही बनो, तो हमें ये सारी चीजें, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने आप को, आप भी ऑब्जर्व करें, खुद के वीडियो खुद देखें, यूट्यूब में जाकर ये मत सुने टीसी जी क्या बोल रहे, आप तो अपने आप को देखो। लेकिन शायद यूट्यूब में हम ऐसे दिख नहीं पाते होंगे, तो उसका दूसरा तरीका है यूट्यूब में देखने का, आप खुद कभी जब बोलने का मौका मिले तो बोलो, फिर उस पोर्शन को सुनो, और कुछ और तरीका निकालो आप तो, जो भी है, नहीं तो अपने दोस्तों को बोलो, कुछ भी बोलो, पर ये काम कर लेना चाहिए, ये बहुत फायदे का सौदा, फायदे का सौदा। इसका तरीका जो मैंने अनुभव किया मैंने आपको बताया, और अपने जैसे आओ साथ में आ जाओ, अपन सब मस्ती करते हैं और बदलते रहते हैं अपने आप को, पुराने में क्या पड़ा है, नदी में पानी नहीं बहे तो नदी अच्छी थोड़ी लगती है, तो बहता पानी तो बदलता रहता है ना, एक पांव एक पानी में रखते हो ना दूसरा पांव सेम पानी में नहीं रख सकते हो, दूसरा पांव दूसरा पानी आ जाता है, तो हमें नदी कितनी प्यारी लगती है, मजेदार लगती है। तो आप भी जिंदगी में बदलते रहो, खुश रहोगे, मुस्कुराते हुए चेहरे से रहोगे, और अच्छी अच्छी आदतों को लाओगे जीवन में, तो बड़ा मजा आएगा। तो नहीं तो जीवन वैसे ही चला जाएगा जैसे वो 40 साल से 7.5 करोड़ रुपए होने के बाद भी भिखारी बना हुआ। ऐसी बहुत सारी आदतें होती है हम सब साथियों में, पूरी दुनिया में किसी को झूठ बोलने की आदत है तो झूठ ही बोलेगा। कई सारे साथी क्या होता है कि जैसे उनसे पूछे कि कहाँ हो, है अभी 10 किलोमीटर दूर, और बोलेगा बस मैं आ ही गया, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आदत पड़ जाती है, झूठ ही बोल, सत्य बोलना ही नहीं है। अभी 10 किलोमीटर भी बोलेगा तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, न सामने वाले को सुनने वाले को दिक्कत है, न उसको दिक्कत है, लेकिन आदत बल्कि झूठ बोलना थोड़ा, कई साथी की आदत पड़ जाती है हमारे आरसी में कि उनको दूसरों का ही खाना है, नए साथियों को प्लान नहीं बताते हो, वो पुराने किसी न किसी के साथ वालों को ही बताते हो, कि वो आदत ही वैसी पड़ गई, मेहनत उतनी की उतनी करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि नए को बताओगे तो ज्यादा मेहनत करनी, बल्कि पुराने में और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, दुनिया भर के उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप, और वो जो ऐसे साथियों को ले आते हैं जो न वहां कर रहे न यहाँ कर रहे, पर वो सब कुछ कैलकुलेशन नहीं आती उनको, उनकी हैबिट हो जाती है कि झूठा ही खाना, फ्रेश खाना ही नहीं, ऐसी ढेर सारी चीजें, किसी को गलत तरीके से ही बढ़ाना है बस, तो वो आदत पड़ जाती है। तो ऐसे चीजों को ऑब्जर्व करो, आप जगह जगह घूमो ना बाजार में, सड़कों पे, दुनिया के सामने, तो
हर चीज को ऑब्जर्व करो, देखो ये क्या कर रहा है। अब आपने कभी भिखारी को देखा भीख मांगते हैं? देखा, जितनी एक्टिंग वो करना जानता है उसको, इतनी अच्छी एक्टिंग में तो फिल्म में रोल ले मैंने, तो उससे कई गुना पैसा उसको मिल जाएगा। कम मेहनत नहीं है भीख मांगने में, ये मत समझ लेना कि भीख मांगने में कम मेहनत है। आप देखोगे तो आपको लगेगा यार क्या कला है इसमें। आप कितने ही मना करते रहो, न तो उसको गुस्सा आएगा न पिंड छोड़ेगा इतनी। हाँ, आप तो आरसीएम का बताते हो, अभियान बताते हो, और 2 बार मना करते तो तीसरी बार कहने में आपको शर्म आती। तो कलाकार वो ज्यादा है कि आप ज्यादा? लेकिन आदत क्या पड़ गई कि वही काम करना है। तो हर इंसान जीवन में उन्नति कर सकता है, लेकिन आदतों के हम ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि हम उन आदतों के चक्रव्यूह में से निकल ही नहीं पाते। समझ गए सारे? सब समझ गए अच्छे से? कुछ आज इलाज हो जाएगा, कल आओगे जब आज वाले आओगे, चेंज हो क्या होगा, बदल क्या होगा? अब ये भी आपकी आदत होगी। देखो आप सभी अभी बोलेंगे कि मैं ये करूंगा, और आपकी एक आदत है कि उसपे ध्यान ज्यादा नहीं देना, बस क्योंकि आज सुना है वो बोलना है, अपने भीतर चेंज नहीं लाना। ये भी आदत है बहुत सारे साथी, बहुत सारों की है, चेंज लाते भी। तो आप सामने खुद ही देखते हो कि बहुत सारे सालों से आ रहे हैं वैसे के वैसे ही, वही बोलने का तरीका, वही सब कुछ, और बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया। दिनेश चौधरी बोलते हैं मैं 15 अगस्त से आना शुरू किया और मेरे अंदर इतना बदलाव है, इतना बदलाव, एक बार नहीं वो 50 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं दुनिया के सामने बार बार। तो वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, तो बदलना हमारे हाथ में, और बदले बिना कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपनी आदतों को चेक करो आप, है? आज चेक करो कि आप यहाँ जो बोलोगे उसको चेक करो कि आपने क्या बोला है, और वापस दिन में कल चेक करना कि आपने बोला है उसमें कुछ किया भी है क्या, कोई अंदर चेतना भी आई है क्या। ये ट्रिक पकड़ लोगे तो बाकी रास्ते तो सारे मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।